चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। छोटी सादरी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ। यह अनावरण राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना और जनजाति मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने किया। इस अवसर पर मंत्री आंजना ने कहा कि आज हम जो कुछ भी है बाबा साहब की बदौलत है, बाबा साहब ने हमें जीवन जीने का तरीका सिखाया है। छोटी सादड़ी में लंबे संघर्ष के बाद और सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के प्रयासों से संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। छोटी सादड़ी में नीमच रोड पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना और जनजाति मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने किया। इस अवसर पर जनजाति मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने कहा कि बाबा साहब के बलिदानों पर आज हम यहां पहुंचे हैं। छोटी सादड़ी क्षेत्र को TSP में शामिल कराने के बाद छोटी सादड़ी विकास की पटरी पर आ जाएगा और योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम एजुकेशन और एरिगेशन, किसान और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि TSP एरिया तो आ गया है और उस TSP एरिया के डेवलपमेंट की बात है, राजस्थान की सरकार आपके साथ में खड़ी है। मैं ये बात भी निवेदन करना चाहूं कि जैसे ही TSP एरिया लागू हुआ है, ये मंचासीन अतिथि गण नेता है उनसे भी कहना चाहूं, सामने मेरे भाई खड़े उनसे भी कहना चाहूं कि वो लोग जो भाई भाई को लड़ाने की कोशिश करते हैं, वो एक समाज में दो भाग करने की भी कोशिश करें। वो सावधानी आपको रखनी है, वो सतर्क आपको रहना है, ये बात मैं कहूंगा। पहले तो क्या था कि भाई कोई जाति विशेष का आदमी चुनाव नहीं लड़े, कोई भी लड़ सके, इस तरह का नियम कायदा। राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर कुशाग्र बुद्धि के थे, जीवन में संघर्ष कर आगे बढ़े और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान हमें दे गए। जिस प्रकार से बाबा साहब को अलग घसीटते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को अलग घसीटते हैं, गांधी जी को अलग घसीटते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को गालियां देते हैं, इंदिरा गांधी को गालियां देते हैं, क्या इन लोगों ने देश के ऊपर त्याग नहीं किया था? ये सब आपके सामने, इस बात को समझने की आवश्यकता है। निसंदेह इस बार आपने मेरा साथ तो बहुत दिया। जब से मैं राजनीति में प्रधान बन के आपके बीच में आया हूँ, जब से आपने छोटी साड़ी क्षेत्र से मुझे कभी हार नहीं दिया, इसके लिए पूरे छोटी साड़ी क्षेत्र के समस्त साथियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना। इस बार अवसर मिला है, जिस मंजिल पर पहुंचने की कल्पना की थी भगवान ने और आपकी ताकत ने मुझे वहां पहुंचा दिया है। तो ये कार्यकाल मेरा ऐसा रहे कि वर्षों तक छोटी साड़ी क्षेत्र के लोग याद करें और लोगों के सुख दुख का भागीदार बन सकूं, ये प्रयास करना चाहता हूं। और इसमें आपके सुझाव, आपका व्यवहार, आपका काम मेरा बहुत मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए चाहे अपन कोरोना के कारण अभी कम मिल पा रहे हैं, अगर कोरोना नहीं होता, आज हम 8 महीने से तो कोरोना की वजह से इतने जाम बैठ गए हैं कि भाई से भाई मिलने में भी दिक्कत आ रही है। घर पे बैठते हैं तो मुंह पे लगा के बैठते हैं, कोरोना की गड़बड़ी हो जाए, डॉक्टर अलग डराते रहते हैं, 70 साल के लगभग हो गए हो, शुगर के पेशेंट हो, कहीं जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो वो डर भी मन में रहता है, इसमें भी कोई दोहरा नहीं है। लेकिन आपसे मिलने का प्रेम कभी कम नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कार्यकाल मिला है इसमें सुझाव दें, उसके अनुसार हम अपने क्षेत्र को आगे बढ़ावे। इस अवसर पर पूर्व प्रधान मनोहर लाल आंजना, अमृत लाल बंडी, सूरज मल्हारी, बाबू लाल रेगर, गोवर्धन लाल सहित अजा वर्ग के जनप्रतिनिधि गण मंचासीन थे। अतिथियों का स्वागत पार्षद भरत खटीक, अजय यादव, अमर सिंह जयंत, प्रहलाद मेघवाल, तुलसीराम मेघवाल, उदयलाल मीणा, देवीलाल खटीक ने किया। मैंने आपको समस्त इस TSP एरिया में सम्मिलित होने पर जनजाति विभाग का मंत्री होने पर सभी साथियों को बधाई देता हूं। और जैसा हमारे काबीना मंत्री सम्मानी उदयलाल जी ने मुझे बताया है, और उसके अलावा भी मैंने भी अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में बोला है कि मेरा संकल्प है जब तक मैं इस विभाग का मंत्री हूँ तब तक एरिगेशन एंड एजुकेशन की कुछ चीज़ें मैंने बताई है, और एरिगेशन का जहाँ तक सवाल है, मैं यहाँ का प्रभारी भी हूँ। नेक्स्ट जब भी आऊँगा तो यहाँ कितने अच्छे, कहाँ एनीकट बना सकते हैं, क्या चीज़ किसानों के लिए हम कर सकते हैं जिससे जल स्तर ऊपर आएगा, ये दो सौगातों को लेकर हम इस छोटी सादड़ी और पूरे TSP क्षेत्र में विकास के लिए संकल्पित। बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा के लिए अंबेडकर जन क्रांति मोर्चा ने लंबा संघर्ष किया। आमरण मंथन कर प्रतिमा लगाने के लिए लगातार आंदोलन चलाए। इस आंदोलन में अहम भूमिका अंबेडकर जन क्रांति के
अजय कुमार यादव, भरत खटीक, प्रहलाद मेघवाल, उदयलाल मीणा और देवीलाल खटीक के रही। इन सभी का मंत्रीगणों ने साल श्रीफल से सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन नगर अध्यक्ष ओम शर्मा ने किया और आभार